गुम है किसी के प्यार में लीप के बाद कितने बदले किरदार, किसकी हुई किस तरह से एंट्री, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। वेल, जैसा कि आप सबको पता ही है कि लीप आ चुका है और लीप का पहला एपिसोड भी आ चुका है, किसमें किसकी कैसी एंट्री हुई है और किस तरह का कौन सा किरदार हुआ है ये आपको बताते हैं। शुरुआत होती है भवानी चौहान से। भवानी चौहान की एंट्री जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से दिखाई जाती है और जिस वक्त भवानी चौहान की एंट्री होती है उस वक्त तो ऐसा लगता है कि भवानी जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुधरी हुई नज़र आ रही है और इसी के बाद ही भवानी का वो रूप सामने आता है जो यकीनन सभी ने एक्सपेक्ट किया था। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि सभी के लिए भवानी जो है वो नेगेटिव होने वाली है, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ है। जहां पर वो एक तरफ वीनू को काफ़ी सिर पर बिठाने वाली है तो वहीं पर सभी के लिए वो बहुत नेगेटिव होने वाली है और आज भी सही से नफरत करने वाली है। इसके बाद आप देखेंगे कि सभी जो कि अपने बहुत ही स्टाइलिश अंदाज में नज़र आती है, बहुत ही सिंपल एंड स्वीट नज़र आती है, बिल्कुल माँ जैसी दिख रही है। इसके बाद आप देखने वाले हैं अश्विनी की एंट्री। जी हाँ, अश्विनी जो है वो बहुत ही शांत हो चुकी है, बहुत ही कूल नज़र आ रही है। आप देखेंगे कि अश्विनी जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर दिख रही है और साथ ही साथ जो चौहान हाउस है वो अब चौहान हाउस नहीं रहा है और चौहान हाउस जो है वो काफ़ी छोटा हो गया है और फैमिली वाले जो है यानी कि भवानी, अश्विनी, निनाद ये सभी जो है वो गरीब हो चुके हैं और आप देख सकते हैं सभी जो है वो काफ़ी सिंपल हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर बात करें भवानी की तो उसकी अकड़ बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। इसके बाद आप देखेंगे कि निनाद जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा स्वीट नज़र आ रहा है। वह निनाद का भी कैरेक्टर जो है वो काफ़ी स्वीट हो चुका है लेकिन उन्हें जो है एक बीमारी हो गई है भूलने वाली और वो हर बात को भूल जाते हैं और वो ये भी भूल जाते हैं कि सई और विराट की मौत हो चुकी है। तभी तो अपने बर्थडे पर वो ये बोलते नज़र आते हैं कि मुझे सई विराट ने नहीं अभी तक विश किया, जिसके बाद यहाँ पर अश्विनी बहुत इमोशनल हो जाती है। इसके बाद आप देखेंगे हरिणी का किरदार। हरिणी जो है साथ में नज़र आ रही है यहाँ पर और यहाँ पर भी वो बहुत स्ट्रगल करती हुई नज़र आ रही है, भवानी के ताने सुनती नज़र आ रही है। तो इस तरह से जो है वो किरदार देखने को मिले जो कि पुराने किरदार हैं और इसी के साथ साथ यहाँ पर एंट्री होती है शक्ति अरोड़ा की, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से होती है और साथ ही साथ सुमित की। सुमित और शक्ति अरोड़ा जो है वो एक दूसरे के प्यार में पड़ने वाले हैं यहाँ पर जो है देखने को मिला है पहले एपिसोड में और उसी के साथ ही साथ यहाँ पर सभी का बहुत ही प्यारा सा कैरेक्टर देखने को मिला जिसमें पूरी तरीके से सई की झलक मिलती है। अपने सपने को पूरा करने के लिए सभी पूरी कोशिश करती है लेकिन यहाँ पर भवानी चौहान जो है वो एक बार फिर से अपने उसी ढर्रे पर नज़र आई है जिस ढर्रे पर वो पहले रहा करती थी, यानी कि भवानी की जो चीज़ है वो अब भी बिल्कुल वैसे ही नज़र आई, वही अकड़ वही सारी चीज़ें। तो इस तरह से किरदार जो हैं वो बदले हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कहानी किस तरह से मोड़ लेती है। इस वीडियो में बस इतना ही। टीवी एंड बॉलीवुड से रिलेटेड खबरों के लिए फिल्म भी सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारी फेसबुक पेज को फॉलो करें।